नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा आने वाली है, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं मॉक टेस्ट के रूप में, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। जनरल अवेयरनेस यानी कि जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ग्रुप डी में जो आएंगे, उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि इस टाइप के ही क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाएंगे, क्योंकि रेलवे ALP के एग्ज़ाम को देखने के बाद जो पैटर्न समझ में आ रहा है ग्रुप डी का, वो लगभग बिल्कुल इसके जैसा ही होने वाला है। तो आइए जनरल अवेयरनेस में आज हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अवधि खेलों में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो पूछा गया है कि इसकी अवधि क्या है, यानी कि कितने साल पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ठीक है, कितने साल पे ये पुरस्कार दिया जाता है ये पूछा गया है। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये खेल में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है, और इसकी जो अवधि है यानी कि कितने टाइम पे ये अवार्ड दिया जाता है, तो वो है 4 साल। ठीक है, 4 साल पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक बार दिया जाता है, 4 साल पे, तो ये याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा खेल आमतौर पर सबसे कम मैच अवधि का होता है, यानी कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इनमें से कौन सा ऐसा गेम है जो सबसे कम टाइम के लिए होता है, यानी कि उसमें टाइम पीरियड कम लगता है। तो देखिए, हमारे पास 4 ऑप्शन है कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। इसमें जो सबसे हमारा जो आंसर है जिसमें सबसे कम टाइम लगता है वो है कबड्डी, क्योंकि देखिए जो मेंस कबड्डी होती है उसमें 2 हाफ के 20-20 मिनट के 2 गेम होते हैं। ठीक है, एक पूरे खेल में कबड्डी में 20-20 मिनट के 2 होते हैं जब मेन होता है, और जब वीमेन कबड्डी होती है तो 15-15 मिनट के 2 हाफ में मैच खेले जाते हैं। तो इस तरह से कबड्डी इसका आंसर होगा कि सबसे कम अवधि का जो मैच होता है इन ऑप्शंस में से, वो है कबड्डी हमारे पास। ठीक है, अगला हमारे पास एक प्रश्न है, वो ये है कि हमारे संविधान के अनुसार भारत एक -- है, यानी कि कौन सा इसमें ऑप्शन होगा। तो देखिए, 4 ऑप्शन से हमारे पास रिलीजियस स्टेट, सेक्युलर स्टेट, कैपिटलिस्ट स्टेट और प्लूक्रेटिक स्टेट। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, देखिए भारत एक धार्मिक राज्य है, ये गलत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, क्योंकि देखिए जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा हमारे संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि किसी भी राज्य में धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि सारे धर्मों को एक तरह से देखा जाए। ठीक है, सारे धर्मों को एक नज़र से देखा जाए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या है, यहाँ पे पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है। तो देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो होता है वो होता है वेबर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो हमारा होता है वेबर। तो याद कीजिएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होगा वेबर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हु इन्वेंटेड LCD प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर की खोज किसने की थी। तो देखिए, 4 ऑप्शन है हमारे पास, जीन डॉलगॉफ, ब्रेंडन इच, डगलस एलेंजबार्ट और फेडरिको फॉगिन। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जीन डॉलगॉफ। याद देखिए, इन्वेंशन से और डिस्कवरी से कई सारे क्वेश्चंस रेलवे ALP के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर हम रेलवे ALP का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी टेक्नीशियन का, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 2-4 चीज़ें जो कॉमन निकल के आती हैं वो ये कि केमिस्ट्री से, पीरियोडिक टेबल से वहाँ पे क्वेश्चन थे, साथ ही साथ इन्वेंशन और डिस्कवरी से क्वेश्चन थे, उनके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब भी पूछ दे रहा था स्टेट के। तो ये सब इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिएगा, काफ़ी कम समय बचा हुआ है, मैं रोज़ वीडियो एक अपलोड करूँगा ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए, LCD प्रोजेक्टर के जो जिन्होंने खोज किया था वो है जीन डॉलगॉफ, ये इसका आंसर होगा जीन डॉलगॉफ। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किस ईयर में हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। तो देखिए, इसका आंसर है 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन, 1947 में देश की आज़ादी और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो उस समय चल रहा था 1942 से रिलेटेड। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें वो होगा 1931, 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला हमारे पास प्रश्न है कि इनमें से किन वनों को मानसून वन भी कहा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं वन के, एक है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन और कांटेदार झाड़ियाँ, इंग्लिश में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट और थॉर्नी बुशेस। तो देखिए, मानसून वन कहा जाता है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है इनको हम बोलते हैं
इंग्लिश में ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, इनको हम ड्राई फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन, इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट या फिर ड्राई वन। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस के सीरीज हैं या आप देखते रहिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो। अब देखिए, इसमें प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस है और वह गैस ओजोन परतों को कम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन हैं, BF3, O2, CHCF3 और Cl2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी होगा, और ऑप्शन सी है CHCIF2। इसको R22 भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एक नाम है R22, या फिर इसको HCFC22 भी बोलते हैं, ठीक है। R22 भी बोलते हैं इसको और HCFC भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका जो नाम है वो R22 भी है, ठीक है। R22 इसका नाम है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि नियमों या सम्मेलनों के दिए गए सेट के अनुसार प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए निर्देशों की एक श्रृंखला को क्या कहा जाता है। देखिए, जब भी कोई प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो उसमें एक स्पेशल सीक्वेंस बना होता है जो कि सिंबल्स और लेटर्स से मिलकर बना होता है। तो उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा सिंटैक्स, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, सिंटैक्स, ओके। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन बनाने के लिए है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि जीन बनाने के काम में आता है। तो देखिए, डीएनए से जेनेटिक ट्रांसफर्स होते हैं, तो उसमें होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो याद रखिए, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये देखिए खेल से क्वेश्चन है फिर से एक बार, कि विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ नॉट रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड येट। अब तक किस भारतीय खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है, अब तक किस भारतीय खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है। तो देखिए, विराट कोहली को मिल चुका है, रोहित शर्मा को मिल चुका है और आर अश्विन को भी मिल चुका है। बचते हैं MS धोनी। MS धोनी को अब तक अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा MS धोनी, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे। आगे और भी कई सारे इसी तरह के मॉक टेस्ट हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके आप नीचे नोटिफिकेशन बेल होगा उसको दबा देंगे, तो जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास उसके नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़िए, लगे रहिए। धन्यवाद।